और हमारे मंच पर वैली भाई यहाँ पर आए हुए, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वैली भाई थैंक यू आप यहाँ पर आए। नाम बोलो ना, नाम अभी साइड पे आएगा तो बता देता हूँ। ठीक है, आनंद भाई और केपी किशोर। देखो अभी देखो मालूम पड़ेगा। साइड पे किशोर है, किशोर और आनंद की जोड़ी मैदान पर है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है सेवियर्स के कैप्टन ने और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी के लिए संतोष सर। रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे संतोष और अंपायरिंग का भार संभाले हुए अजय किनी सर। लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर डिका स्पोर्ट्स के माध्यम से और पूरा दिन हमारा साथ देंगे डीजे किरण, एक बेहतरीन साउंड सिस्टम। आप देख रहे हैं मेरी आवाज बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर जा रही है लोगों के कानों तक, बहुत मधुर आवाज लग रही है। हालांकि मेरी आवाज इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन डीजे किरण का जो साउंड है, जो स्पीकर्स है, जो माइक है, बहुत बेहतरीन है। तो यूट्यूब पर जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अधिविक 11 प्रिजन मीरा भाई द चषक सीजन 2 2023 भाई द वेस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर शुरू होने की तैयारी में 8 टीमों का यह संग्राम और पहला मुकाबला आज के दिन का टफ एडिक वर्सेस सर्वियस के बीच में। पहली ओवर की पहली गेंद, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं यहां पर उपस्थित दर्शकों की जानिब, दर्शकों की जानिब से, मंच पर उपस्थित मान्यवर की जानिब से और खेल शुरू होने का इशारा देते हुए अंपायर अजय किनी, ऑल द बेस्ट और कमेंट्री बॉक्स एंज की तरफ से। पहली ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद यॉर्कर लेन गेंद फेंकने की कोशिश, उसे खेलने का प्रयास किया था मिड विकेट पर, अच्छी फील्डिंग यहां पर, डॉट बॉल से अच्छी शुरुआत करते हुए संतोष सर। कमेंट बॉक्स एंड से फिर एक बार तैयार दूसरी गेंद लेकर, पहली गेंद काफी अच्छी तरीके से उन्होंने यॉर्कर लेन और बल्लेबाज को खेलने में कठिनाई होती हुई इस बार। इस बार बढ़िया शॉट है, गेंद जा रही है डिफाइन लेग की दिशा में, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे जाता हुआ और देखना है निश्चित रूप से ये अंपायर का इशारा आता हुआ और ये पहला चौका लगता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक किशोर के बल्ले से आता हुआ। किशोर ने शोर मचाना शुरू किया और चौका जड़ दिया अपनी टीम के लिए, खाता खोला अपना और अपनी टीम का 4 रनों के साथ। पराग आप फोन पर बात ना करें प्लीज, ऑब्जेक्शन है। तो 4 रन से शुरुआत करते हुए किशोर लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने T20 में जो शॉट्स लगाए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए इस शॉट को खेलने का प्रयास किया था किशोर ने और उसमें उन्हें कामयाबी मिली और गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ शुरुआत करते हुए, ओपनिंग करते हुए, खाता खोलते हुए फिर एक बार तैयार किशोर। थोड़ा सा यहां पर फील्डिंग में परिवर्तन किया गया संतोष की जानिब से, संतोष फिर एक बार तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे किशोर के लिए। हमसे दूर भागते हुए तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, घूमकर खेलने का प्रयास लेकिन गेंद उनके ठीक निशाने पर लगी है ऐसा लगता है। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, गिरने के बाद और बाहर की तरफ देखा कि बल्लेबाज ने सफल होकर के खेलने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप से बाहर को बाहर गेंद को रखा और अपने अनुभव का वहां पर सबूत दिया। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज किशोर, असफल रहे और गेंद उनके पैट से टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, 4 रन।
अधिक 11 द्वारा आयोजित ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023 इस खूबसूरत मैदान पर खूबसूरत शुरुआत, खूबसूरत धूप यहां पर और उस धूप में एक चमकदार क्रिकेट आगे बढ़ करके खेलने का प्रयास। इस बार अंदरूनी किनारे लग के गेंद गई, शॉर्ट फाइड लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की और रन की किसी भी संभावना को यहां पर समाप्त किया। अच्छी गेंदबाजी और उसका अच्छी तरह से साथ देते हुए फील्डर, 4 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर मैदान पर। कोई अब तक यहां पर नुकसान नहीं हुआ। इस बार अच्छी गेंद, फिर एक बार मिडल स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी बाहर की ओर जाती हुई और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और पहली सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए संतोष। बेहतरीन गेंदबाजी, अनुभवी गेंदबाजी, बोल्ड हो गए बल्लेबाज अंपायर अजय कीनी, माफ कीजिएगा। हमें ऐसे लगा कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गई लेकिन गेंद स्टंप को छूती हुई वहां से विकेट कीपर के दस्तानों में गई है और इस तरह से पहला विकेट, पहला नुकसान। थैंक यू डीजे किरण, आपका मनोरंजन करते हुए। और नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, बाहुबली दिखते भी है, उनकी जो कट काठी है उसके हिसाब से मुझे लगता है उनका नाम रखा गया है बाहुबली। और गेंदबाज संतोष तैयार, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, सफलता प्राप्त हुई है राइट हैंड विकेट। इस बार बढ़िया शॉट, बैकफुट पर जाकर के खेला है, डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। वन बाउंस, एक टप्पा खाती हुई गेंद 4 रनों के लिए, चौकी की सहायता से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ। और कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो तो आखिरी गेंद पर इस पहली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए बाहुबली ने अपना परिचय वहां पर दिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, बेहतरीन शॉट था, बैकफुट पर गए, जगह बनाई और फुल लेंथ डिलीवरी को आसानी के साथ स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला 4 रनों के लिए, 8 रन पहुंचा दिया टीम के स्कोर को। एक ओवर समाप्त हुआ, पहली ओवर की समाप्ति और स्कोर है 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। सेवियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023 दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए शाम गेंदबाजी के लिए शाम यहां पर राई में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में एक अहम किरदार निभाते हुए शाम अपनी गेंदबाजी के जरिए आज उन्हें यहां पर दूसरा ओवर सौंपते हुए कप्तान गणेश जाधव शाम तैयार गेंदबाजी करेंगे। मुंबई एंड से गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर है इस वक्त बल्लेबाज आनंद। पहली ओवर में कोई खास मौका नहीं मिला था आनंद को, देखना है शाम की आने वाली गेंद का किस तरह से सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, शाम की अगेन 90 डिग्री खेलने का भूत आजकल सबको सवार है और इसी का यहां पर नमूना देते हुए आनंद
सूर्य कुमार यादव ने इस शॉट को काफी फेमस कर दिया है, एक इंटरनेशनल शॉट है और अच्छा स्ट्रोक है और वो लगाते भी वैसा है, और उनके बल्ले से जब लगता है तो फाइन लेग पर सिक्स जाता है। एक रन इस बीच 9 रन स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। अगली गेंद इस ओवर की बाहुबली के लिए, रिवर्स स्वीप, बढ़िया शॉट है और यह गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, बैकवर्ड पॉइंट से बरगे के बाहर। थैंक यू डीजे। और चौके की सहायता से स्कोर उछलता और की देता हुआ पहुंचा 13 रनों पर। 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ने में अब तक सफलता प्राप्त किए बाहुबली ने। बाहुबली नाम काफी विशाल नाम है और उसका नो डाउट उन्हें अच्छा परिचय भी दिया है। 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े हैं पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर, और इस ओवर का जैसे ही उन्हें इस ओवर में मौका मिला उन्हें सामना करने का दूसरी गेंद का, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया। तैयार फिर एक बार सामना करेंगे आने वाले गेंद का, गेंदबाज श्याम मुंबई एंड से राइट आर्म ऑफ द विकेट। बाहुबली के लिए इस बार अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंद फेंकने का प्रयास है लेकिन काफी बाहर और उसे वाइट करार दिया अंपायर ने। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें, काफी समय कम है हमारे पास, जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाना है। वाइट बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा। 14-14 एक विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर मैदान पर है। समय का थोड़ा ध्यान रखें, दोनों ही टीमों से निवेदन है समय को पूरी तरह से अपने जहन में रखते हुए इस खेल को खेले और जल्द से जल्द यहां पर इस इनिंग को समाप्त करने की कोशिश करें, प्रयास करें। अगली गेंद शाम की राइट आर्म ओवर द विकेट बाहुबली के लिए, पटकी हुई गेंद थी लेग स्टंप पर बाहर जाती हुई गेंद फ्लिक किया, जब तक कि गेंद डीप मिड विकेट पर गिली जाधव रोकने में सफलता प्राप्त करते आसानी के साथ 1 रन बाहुबली ने प्राप्त किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर 15 एक विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर मैदान पर जारी है। गेंदबाज शाम फिर एक बार तैयार आनंद के लिए। इस बार आनंद ने बैकफुट पर जाकर के खेला है, गेंद जारी है मिड ऑफ की दिशा में तेजी के साथ 1 रन लेने की कोशिश और थोड़ा सा यहां पर वाइड थ्रो आया पराग पठारे का, अन्यथा यहां पर खतरा हो सकता था और तेज दौड़ लगानी पड़ी थी आनंद को अपने आप को वहां पर बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, और इस प्रकार से 1 रन उनके खाते में आता हुआ इस तरह स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचा 16 रनों पर 16 रन एक विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर मैदान पर। एथविक 11 द्वारा आयोजित ओवरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023। अगली गेंद शाम की, पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ दर्शकों की जानकारी के लिए, और अभी अभी जो YouTube पर हमारे दर्शक आए हैं देखने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल या टीवी ऑन किया उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डीका स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं YouTube के माध्यम से। अगली गेंद इस ओवर की शाम की, बाहुबली के लिए अच्छी गेंद थी, आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास, गेंद उनके पैड से टकराई, हल्की सी अपील लेकिन अंपायर ने इसे नकारा और इसी के साथ ये दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हुआ। दो ओवर की समाप्ति स्कोर है 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर शाम की जानिब से देखने के लिए मिली, बांधने में सक्षम रहे बल्लेबाजों को, कोई खुल करके खेलने का कोई मौका शाम ने इस ओवर में नहीं दिया है। देखना है अब कौन से गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी जाती है। 5-5 ओवर का यह मुकाबला है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सेवियर्स ने लिया था, उसमें उनके
16 रन दो विकेटों के नुकसान, एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर की समाप्ति हुई। देखना है बाहुबली और आनंद आने वाली गेंदों का किस तरह से मुकाबला करते हैं, किस तरह से सामना करते हैं और कितने रन बटोरते हैं इस पहले मुकाबले में अपने टीम के लिए। 8 टीमों को इस टूर्नामेंट में भाग दिया गया, समावेश दिया गया है और देखना है कौन सी टीम आज इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँचती है। जबकि अगर हम बात करें टफ एडेट की तो वो कल फाइनल में पहुँच चुके हैं राई के टूर्नामेंट में और फाइनल में अपनी जगह उन्होंने निश्चित की है। आज यहाँ पर अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं, देखना किस तरह से उनका खेल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गिलिज यादव थोड़ा ऊपर जाते हुए तीसरे ओवर की शुरुआत होते हुए गेंदबाज मुन्ना कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामना करेंगे आनंद नॉन स्ट्राइक एंड पर बाहुबली, फील्ड सजाई जा रही है, ऑफ साइड की फील्ड हम देखते हैं, एक स्लिप है, एक बैकआउट पॉइंट है और एक वाइडिश मिड ऑफ और एक मिड ऑफ इस तरह से। इधर यहां पर रिवर्स स्वीप खेल लिया, बहुत ही बढ़िया शॉट है, गेंद और अच्छी फील्डिंग का प्रयास। यहां पर देखना है ये 4 रन हो सकते हैं या नहीं, देखना चाहेंगे। अच्छी कोशिश वहां पर किए, गिली काफी दूर तक दौड़ लगा करके गए, अंपायर का निर्णय जानने का प्रयास करेंगे। और यहां पर खिलाड़ी ने अपना निर्णय दिया है, मुझे लगता है अंपायर अपना इशारा करेंगे। और 4 रनों के लिए ये गेंद, बढ़िया शॉट, काफी अच्छी मेहनत, अच्छी फील्डिंग की कोशिश वहां पर की गई थी, उन्होंने रोकने की कोशिश जरूर की लेकिन उनके हाथों को छूने के बाद गेंद सीमा रेखा पार टप्पा खाने के बाद में अंदर आई और जिसके कारण अंपायर ने इसे 4 रन घोषित किया। चौके की सहायता से स्कोर पहुंचा 20 रनों पर। तीसरे ओवर की शुरुआत है, 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। मुन्ना तैयार गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया शॉट है, मिड ऑफ ऊपर था, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी को यहां पर कोई मौका नहीं, हालांकि गिलिज यादव दौड़ करके जरूर आए थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर थी गेंद और इस 4 रन की सहायता से इसको 24 पर पहुंचा दिया। आनंद ने अपनी टीम में आनंद बरसाया है और कप्तान को यहां पर खुश करते हुए आनंदित करते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी आनंद ने की। पिछले गेंद पर रिवर्स स्वीप में चौका जड़ा था और इस बार थोड़ी सी देखी कि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, आगे बढ़े और देखा कि मिड ऑफ भी ऊपर है, उसका भरपूर फायदा उठाया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल लिया, हवा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पोजीशन में नजर आते हुए इस वक्त सेवियर्स की टीम। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 रन 24। मुन्ना की अगली गेंद, दो गेंदों पर दो चौके जड़े हैं मुन्ना को, तैयार गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मुन्ना की गेंद आनंद के लिए, इस बार घूम करके खेलाया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से ये गेंद उनको चकमा देती हुई और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। लगातार 3 गेंदों पर आनंद ने जड़े हैं 3 चौके और अपने टीम को आनंदित किया है। थैंक यू डीजे। तो इस प्रकार से लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन आनंद द्वारा, चौके की सहायता से स्कोर 28 पर पहुंचा दिया है अपनी टीम के स्कोर को। और तीसरा ओवर अभी शुरुआत है, तीसरा ओवर अभी प्रगति पर है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। जैसा कि मैंने कहा था कि गेंद थोड़ी सी रुक कर जरूर आएगी और बल्लेबाजों को कठिनाई होगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि आनंद कुछ अलग मोड में यहां पर नजर आ रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी जानिब से तैयार। सामना करेंगे आने वाले गेंद का लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद कॉमेडी बॉक्स एंड से फिर एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास लेकिन इस बार चूके, गेंद बल्ले के नीचे से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। थोड़े से अपने आप पे नाराज आनंद कि ये शॉट मुझसे कैसे मिस हुआ, कैसे हम चूके हैं,
इस बार अपने आप पर थोड़ा सा मंथन करते हुए सोचते हुए सोच विचार करने के बाद फिर एक बार तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का मुन्ना की। 28 रन एक विकेट के नुकसान पर सेवियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ करके खेला। यहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है और लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने ये आसान सा कैच लपका, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था। आगे बढ़ करके खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से पर लगी। धन्यवाद डीजे। और इस प्रकार से दूसरी सफलता यहां पर जरूर प्राप्त हुई है टफ एडिट के खिलाड़ियों को, लेकिन एक अच्छा स्कोर खड़ा करके गए हैं। आनंद अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पे ला करके खड़े हुए, एक अच्छी पार्टनरशिप। आनंद ने 14 रन बनाए जिसमें उन्होंने 3 चौके जड़े, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की, 7 गेंदों का सामना किया आनंद ने और अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में ला करके खड़ा किया। तीसरी ओवर मैदान पर प्रगति पर है गेंदबाज मुन्ना तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और नए बल्लेबाज अली आए हुए बल्लेबाजी करने के लिए। देखना अली इंग्लैंड के मोइन अली की याद यहां पर ताजा कर पाते हैं या नहीं। उनके नाम से मिलता हुआ नाम अली और कथी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अच्छी हाइटेड इनकी कटकाठी है। देखना है अली किस तरह से सामना करते हैं। इस बार गेंद उन्होंने कवर के ऊपर से खेला है, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन यहां पर मिसफील्ड थोड़ा सा और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए कवर बाउंड्री के बाहर। तो इस तरह से पहली गेंद पर अली ने चौका जड़ा, अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 32 रनों पर। 3 ओवर यहां पर समाप्त हुए, 3 ओवर की समाप्त हुई, स्कोर है 32 रन। पहले ओवर में हम यहां पर अगर देखते हैं तो 8 रन आते हैं, दूसरी ओवर में 8 रन आते हैं और तीसरी ओवर में यहां पर एक विकेट जरूर प्राप्त होता है। एक सेट बैट्समैन जरूर आउट होते हैं लेकिन उन्होंने यहां पर निश्चित रूप से दुगना लगाने उसूल किया है और 16 रन जड़े हैं इस तीसरे ओवर में। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, चौथा ओवर लेकर गेंदबाज संतोष फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी संतोष ने की थी, 8 रन देकर के एक विकेट प्राप्त किया था और अब फिर एक बार उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाहुबली को काफी समय के बाद मौका मिला है, स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे आने वाली गेंद का संतोष। मुंबई एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहला ओवर उन्होंने कमेंट्री बॉक्स एंड से फेंका था और अब मुंबई एंड से गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अपनी फील्ड में ऑन साइड में हम देख रहे हैं कि 3-4 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी को ऊपर बुलाया गया है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर ऊपर, पटकी हुई गेंद और इसे खेल लिया है फाइन लेग की दिशा में 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब गेंद थी ये संतोष की। थैंक यू डीजे। तो इस तरह से ये बेहतरीन शॉट बाहुबली के बल्ले से आता हुआ 4 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 36 रनों पर। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, गेंद उनके पैट से टकराई, असफल रहे बल्लेबाज बाहुबली। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ डिलीवरी थी, गिरने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद थी और बीट करती हुई बल्लेबाज को, लेकिन एक रन लेने से नहीं चूके। लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ, इस एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा है 37 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर मैदान पर प्रगति पर है, अली अब सामना करेंगे आने वाली गेंद का।
संतोष की, मुंबई एंड से संतोष, बट कीवी गेंद फिर एक बार इसे खेल लिया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए एक रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और दो रन तेजी से दौड़ करके पूरे किए जब तक कि गेंद को रोका गया और अब जाकर के थ्रो किया गया, दो रन आसानी के साथ अली ने दौड़ करके पूरे किए, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 39 रनों पर, 39। चौथा ओवर मैदान पर है, ये ओपन ग्राउंड है, ओपन मैदान है, आज थोड़ी सी शॉर्ट बाउंड्री जरूर है लेकिन फिर भी इस शॉर्ट बाउंड्री को भी पार करने में काफ़ी दमखम, काफ़ी सलाहियत की ज़रूरत होती है, काफ़ी तजर्बे की ज़रूरत होती है, काफ़ी अनुभव की ज़रूरत होती है, और देखना है इस तरह से शुरुआत में चौके लगे हैं उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि यहाँ कोई बड़ा हिट बड़ा शॉट भी हमें नज़र आता है या नहीं। दोनों ही टीमें अच्छी टीम, पहला मुकाबला आज के दिन का अधिविक 11 द्वारा आयोजित मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदर वेस्ट के इस खूबसूरत मैदान पर आप देख रहे हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप YouTube पर देख सकते हैं डीका स्पोर्ट्स के माध्यम से। अगली गेंद फुल टॉस बना करके खेला, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अली को, अच्छी फील्डिंग है वहां पर, केवल एक रन, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की और दूसरे रन की किसी भी संभावना को यहां पर समाप्त किया, एक रन के बदले स्कोर 40 रनों पर पहुंचा, 40-40 लॉस ऑफ टू विकेट इन फोर्थ ओवर। सेवियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर फिर एक बार तैयार, बाहुबली पटकी हुई गेंद थी, खेलने का प्रयास कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया लेकिन स्लिप पर खड़े थे वहां पर मैनेजर, काफी समय के बाद मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद मैदान पर लौटे हैं मैनेजर, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी मीरा भाईंदर परिसर के, एक विशाल नाम लेकिन काफी समय से क्रिकेट से दूरी है, स्लिप पर फील्डिंग कर रहे हैं। संतोष की अगली गेंद बाहुबली के लिए, सफल होकर के खेला है, हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद जा रही है वाइडिश मिड डाउन की दिशा में लेकिन अच्छी फील्डिंग, दो खिलाड़ी वहां पर दौड़ करके पूछे और गिल्ली जादव ने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की, एक रन इस बीच दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज बाहुबली ने। इसी के साथ ये चौथा ओवर यहां पर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 41 आफ्टर 4 लॉस ऑफ 2 विकेट, पहला मुकाबला आज के दिन का। चार ओवर की समाप्ति पर अर्सेनल गेंदबाजी के लिए कमेंट बॉक्स एंड से पांचवी ओवर और अंतिम ओवर लेकर इस टाइप पर बाहुबली 41 रन हो चुके, देखना आखिरी ओवर में कितने रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। बाहुबली और अली नॉन स्ट्राइक एंड पर है, दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करने में माहिर है, लंबे ऊंचे स्ट्रोक खेलने में माहिर है, जिसका सबूत बाहुबली ने आते ही पेश किया था। देखना है अब इस स्लॉग ओवर में आखिरी ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, फील्ड सजाई गई है उनके लिए, तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। अर्सेनल राइट आर्म ऑफ द विकेट, कमेंट बॉक्स एंड से खराब गेंद है, फुल टॉस बना करके खेला है, गेंद गई है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, नो बॉल अंपायर का इशारा और ये सॉस के साथ समोसा फिर आता हुआ।
चार ओवर 46 रन 46 फ्रीट अंपायर का इशारा बहुत बली तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का असना राइट राइट नंबर की गेंद फिर एक बार फुलटॉस गेंद बना करके खेलने का प्रयास लेकिन अच्छी गेंद थी इस बार यॉर्कर लिम गेंद फेंकने में सफलता प्राप्त की हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया था बाहुबली ने गेंद उनके पैच से टकराई कोई रन नहीं फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए 18 रन बनाकर खेल रहे हैं बाहुबली तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का गेंद उसे पुल किया है गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर एक रन लिया लेकिन अली डेंजर जोन में तेजी के साथ अच्छी दौड़ लगाते हुए वेल रनिंग बिटवीन द विकेट दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया दो रन के बदले इसके आगे बढ़कर के पहुंचा 48 रन पर 48 पांच ओवर मैदान पर चल रहा है 48 रन दो विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था एक अच्छा निर्णय साबित करते हुए टॉस बना करके फिर एक बार खेला है और ये गेंद जा रही है वाइडिश मिड डाउन सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए बाहुबली के बल्ले से निकलता एक और चौका पांचवा और आखिरी ओवर मैदान पर चल रहा है और अच्छी खासी बल्लेबाजी देखने के लिए मिल रही है बाहुबली की जानिब से टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 52 रनों पर 52 तीन गेंदों में अब तक 11 रन आ चुके और अभी भी तीन गेंदें आनी शेष है देखना है बाहुबली तीन गेंदों पर और कितने रन बटोरते हैं और अपनी टीम के स्कोर को कितना बाहुबली बनाते हैं 52 रन 52 अगली गेंद ईश्वर की राइट ऑफ द विकेट टॉस फिर एक बार वैसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में लेकिन खिलाड़ी वहां पर कैच छूटता हुआ पराग बैकअप कर रहे हैं और गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की पराग ने लेकिन तब तक दो रन लेने का पूरा मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास आसानी के साथ दौड़ करके दो रन पूरे किए टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 54 रनों पर 54 लॉस ऑफ टू विकेट इन फिफ्थ ओवर पांचवा ओवर मैदान पर चल रहा है बाहुबली और अली की जोड़ी मैदान पर है और एक अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिल रही है बाहुबली की जानिब से दो चौके लगा चुके हैं इस ओवर में तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का चार गेंदें हो चुकी है अभी भी दो गेंदें आनी शेष 54 रन 54 आखिरी दो गेंदें हैं बाहुबली तैयार सामना करेंगे कॉमेडी बॉक्स एंड से आती भी इस गेंद का यहां पर सफल होकर खेलने का प्रयास किया था रूम बनाया था लेकिन अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी देखने के लिए मिली उन्होंने यॉर्कर लिन गेंद फेंकी गेंद उनके पैड से टकराई अंपायर का इशारा लेग बाय का एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा 55 पांचवी ओवर की आखिरी गेंद अंतिम गेंद लास्ट बॉल टू गो इस इनिंग की पहले मुकाबले की अद्विक 11 द्वारा आयोजित ओवर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023 इस खूबसूरत मैदान में हल्की सी धूप मैदान पर और इस धूप में एक चमकदार खूबसूरत क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ अगली गेंद आखिरी गेंद इस ओवर की लास्ट बॉल टू गो फुल टॉस बना करके खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है और ये निश्चित रूप से इस मुकाबले का पहला सिक्सर यहां पर लगता हुआ और मैं कहना चाहूंगा कि ताश के पत्तों में एक्का और क्रिकेट के मैदान पर छक्का ना हो तो खेल अधूरा होता है लेकिन इस खेल को अली ने इस आखिरी गेंद पर पूरा किया और 6 रन प्राप्त किया अपनी टीम के लिए और 61 रनों पर पहुंचा दिया 62 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां पर टर्फ एडिक टीम को वेली बाय Jai Shri Hari Mala Kabul Kar Jai 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 J
और इस बीच गणपति बापा की जो प्रतिमा है उस पर हार चढ़ाया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर से उनकी प्रतिमा को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन देर सही सवेर सही भगवान अधिक 11 द्वारा आयोजित ओवरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर शुरू हो चुका है, और पहला मुकाबला, पहले मुकाबले का पहला मैच यहां पर हम देख रहे हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से ये पांच पांच ओवर का मुकाबला यहां पर देखने के लिए मिला, और जैसा कि हम सेवियर्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और उनके बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया। किशोर जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, एक चौका लगाया, चार रन बना करके आउट हुए पांच गेंदों में। आनंद काफी अच्छा खेल करके गए, 7 गेंदों में 14 रन आनंद ने बनाए। बाहुबली बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी बाहुबली ने की, 14 गेंदों में 26 रन बनाए, और उनका बहुत ही अच्छा साथ यहां पर अली ने दिया जिन्होंने 4 गेंदों में 13 रन यानी एक चौका और एक छक्का। इस इनिंग का एकमात्र सिक्सर अली ने यहां पर जड़ा और अपनी टीम को 61 रनों में पहुंचाने में बहुत ही बेहतरीन एक किरदार यहां पर निभाया, एक अच्छी भूमिका यहां पर निभाई, और 62 रनों का लक्ष्य अब यहां पर रखा है टफ एडिक्ट की टीम के सामने। देखना है जब टफ एडिक्स के बल्लेबाज मैदान पर आते हैं तो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से इन रनों का पीछा करते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, देखते ही बनता होगा इस खूबसूरत मैदान पर। आइए हम दोनों ही टीमों को शुभेच्छा देते हैं, हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और खेल शुरू करने की कामना करते हैं। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा, मैं उन दोनों ही टीमों से निवेदन करूंगा कि प्लीज जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए, टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें।
पिच खेल शुरू होने का इशारा देते हुए अंपायर अजय किरी सर, संत्या और गन्या दोनों ही गिली नॉन स्ट्राइक गेंद पर। पहली ओवर की पहली गेंद, पटकी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद की उसे ऑन साइड में खेला, ऑफ स्टंप की गेंद को खींच करके उठा करके फेंक दिया है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर वहां पर इशारा जानने के लेग अंपायर का इशारा जानने की कोशिश करेंगे प्लीज। छह रनों से शुरुआत करते हुए सिक्स, इस बार बढ़िया शॉट है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए और ये गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए बेहतरीन शुरुआत, यहाँ पर उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन, दो गेंदों पर 10 रन, पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरे गेंद पर चौका, बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर संध्या। थैंक यू डीजे। 62 रनों के लक्ष्य को देखते हुए पहली ही गेंद से शुरुआत यहां पर करते हुए संध्या तैयार, सामना करेंगे आनंद गेंद का। फुल टॉस गेंद, इसे ऑन साइड में खेल दिया, वाइड स्पिन डाउन की दिशा में गेंद जा रही है, देखना है ये गेंद। चार रनों के लिए दो खिलाड़ियों के बीच से होती हुई बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, गेंद का पूरी तरह से भाप लेते हैं, एक कदम आगे बढ़ाया और ऑन साइड में खेला, कारपेट के सहारे से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए चौके की मदद से 14 रनों पर पहुंचा दिया टीम के स्कोर को। तीन गेंदें केवल यहां पर हुई है और रन बने हैं 14। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर संत्या फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। पूरी तरह से नजरें उनकी गेंद पर जमी हुई नजर लग रही है, शुरुआत ही से उन्होंने पहली गेंद से उन्होंने धमाका यहां पर शुरू किया है, पहली गेंद पर सिक्सर, 62 रनों का लक्ष्य है और उसकी देखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर ऑफ स्टंप से ब्लॉक होल में गिरती हुई गेंद थी, खेलने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का बाहर एक किनारे लिया, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, 12 है वहां पर। एक अनुभवी खिलाड़ी एक रन इस भी दौड़ करके पूरा किया और इस एक रन की बदौलत इसको आगे बढ़ करके पहुंचा 15 रनों पर, 15 विदाउट लॉस इन फर्स्ट ओवर। और अब गिली जाधव, एक बेहतरीन खिलाड़ी मेरा भाईंदर परिसर के, बहुत ही बड़ा नाम है क्रिकेट जगत में, टेनिस वर्ल्ड में एक अच्छा नाम, बाएं हाथ के बल्लेबाज गिली तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। होम ग्राउंड है और अच्छा अनुभव इस मैदान का उनके पास, उनके लिए ऑन साइड में फील्ड को फैलाया जा रहा है, थोड़ा सा रुकते हुए देखिए बाहुबली फील्ड सजा रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, धीरे से उसे कट किया,
एक्स्ट्रा कवर पर जब तक ये गेंद को फील्ड किया था, आसानी के साथ दौड़ करके एक रन पूरा किया यहाँ पर गिल यादव ने और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन फर्स्ट ओवर। पहला ओवर मैदान पर प्रगति पर है, 16 रन लक्ष्य 62 रनों का, और 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। सामना मुझे लग रहा है कि गिल यादव मौका दे रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को कि आप यहाँ पर फॉर्म में स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, आपके बल्ले से रन आ रहे हैं तो हवा का फायदा भी उठाए, पावर प्ले का फायदा भी उठाए, तैयार सामना करेंगे आने लगे इनका। यहाँ पर संध्या ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉक पे किया है मिड ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद, एक कदम आगे बढ़ाया। दर्शकों का मनोरंजन करते हुए डीजे किरण और यूट्यूब पर आप डीका स्पोर्ट के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का। अद्विक 11 द्वारा आयोजित ओवराम क्रिकेट टूर्नामेंट मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023, बहुत ही बढ़िया आयोजन और पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का मैदान पर चलता हुआ। पहले मुकाबले में 62 रनों का लक्ष्य रखा गया था सेवियर्स की जानिब से, सेवियर्स ने टॉस जीतने के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और 61 रन बनाए थे, 62 रनों का लक्ष्य रखा था। टर्फ एडिक्स के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत यहां पर की, उनकी आखिरी ओवर में जो रन बने थे वही उन्होंने यहां पर पहले ओवर में समेटे हैं और पहले ओवर में 20 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, एक अच्छी शुरुआत, अच्छा फाउंडेशन, अच्छा न्यू रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गिल यादव तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का गेंदबाज विकी। गेंदबाज विकी गेंदबाजी करने के लिए मुंबई एंड से गेंदबाजी करेंगे और बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश जाधव तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट हार्म ऑफ द विकेट गेंद, फुल टॉस बना करके इसे खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है और निश्चित रूप से ये गेंद अच्छा फुटवर्क यहां पर आखिरी समय पर सीमा रेखा के अंदर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद में रोक गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इस बीच दो रन लेने का पूरा मौका था गणेश यादव के बाद, दो रनों से स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 22 रनों पर। गणेश यादव फिर एक बार 22 रन लक्ष्य 62 रनों का, पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। फिर एक बार यहां पर वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में खेला है, एक रन लिया और आसानी के साथ दूसरे रन के लिए जब तक कि गेंद को फील्ड किया था, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां पर, लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे खिलाड़ी और उन्होंने काफी अच्छा लंबा सफर तय किया इस गेंद को रोकने में, वाइडिश मिड ऑन तक दौड़ते हुए गए और गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की, दो रन इस भी दौड़ करके पूरे किए गणेश यादव ने, दो रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा है 24 रनों पर, गणेश यादव पहुंचे हैं 5 रनों पर। तैयार फिर एक बार सामना करेंगे विकी की आने वाली गेंद का, इस बार बहुत ही उम्दा शॉट है, बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए विकेट सीमा रेखा के बाहर। और इस तरह से ये गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, गणेश यादव के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का
इस बार आखिरी क्षणों तक गेंद पर बिल्कुल नजरें जमाई रखी, हल्के हाथों से खेला मिड शॉट मिड ऑफ पर गेंद को, जब तक कि फील्ड गया रहा, तेजी के साथ दौड़ करके एक रन पूरा किया। यहां पर गणेश यादव ने टीम के स्कोर का पहुंचा दिया है 31 रनों पर 31। रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर मैदान पर है, अभी भी 31 रनों की जरूरत है और केवल दूसरा ओवर मैदान पर चल रहा है, पांच पांच ओवर का मुकाबला है। अच्छी स्थिति में एक अच्छा नींव रखी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक अच्छी फाउंडेशन रखी है और जो 62 रनों का लक्ष्य था उसे बिल्कुल पूरी तरह से आसान बनाने में दोनों ही बल्लेबाज जुटे हुए। विकी तैयार गेंदबाजी करने के लिए, मुंबई एंड से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे सत्या। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास है, थोड़ी सी मिसफील्ड उसका भरपूर, यहां पर फायदा उठाने की कोशिश, मगर देखना है गणेश ने अपने आप को वहां पर झोंक दिया था, वहां विकेट कैसे उड़वा, अंपायर से निर्णय जानना चाहेंगे। ये लेग बिफोर विकेट, ओके। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ही लगा था कि कोमड़ी लंगड़ी घालून पड़ा ली, पण तिथे अंपायर ने तिथे धरून घेतले व्यवस्थित आणि लेग बिफोर विकेट LBW आउट होकर के वापस आए हैं बल्लेबाज सत्या, नए बल्लेबाज मैदान पर मोंटू। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, फिर एक बार यहाँ पर असफल रह चुके, इनके पैट से टकराई और इसी के साथ ही दूसरा ओवर विके का समाप्त हुआ। विके ने एक विकेट जरूर प्राप्त किया लेकिन 11 रन खर्च किए, कुल मिलाकर के दो ओवर की समाप्ति स्कोर 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। बचे हैं अभी भी 3 ओवर और 3 ओवर में अभी भी 31 रनों की जरूरत। डीका स्पोर्ट के माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट इसका देख सकते हैं। हमारा साथ यहां पर दे रहे डीजे किरण स्कोर और मेरे साथ यहां पर मौजूद है भावेश और अंपायरिंग का भार संभाले हुए अजय किनी सर। अद्विक 11 द्वारा आयोजित मेरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023 इस मैदान पर चलता हुआ पहला मुकाबला मैदान पर चल रहा है इस वक्त। टफ एडिक वर्सेस सवेवस के बीच में अगला मुकाबला होगा, प्रभाकर मात्रे 11 वर्सेस चैलेंजर बॉयज। दोनों ही टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। गणेश यादव तैयार, अली गेंदबाजी के लिए आए हैं, तीसरा ओवर लेकर अली। अच्छी गेंद थी अली ने, अच्छी शुरुआत यहां पर की, यॉर्कर लेन गेंद फेंकने में सफलता प्राप्त की लेकिन उसे खेला था गिल्ली ने मिड विकेट की दिशा में एक रन के लिए। एक रन से छोर बदला, टीम के स्कोर को पहुंचा 32 रनों पर। सामना करेंगे अब
मोंटू। अली लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। आखिरी गेंद पर सिक्सर जड़ा था अपनी टीम के लिए और अब गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर है। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अली। शुरुआत अच्छी की है, पहली गेंद अच्छी फेंकी थी उन्होंने, बल्लेबाज को थोड़े सा कठिनाई में जरूर डाला था। देखना है अब बाकी की बची हुई गेंद किस तरह से यहां पर करते हैं। इस मैदान पर तैयार अली गेंदबाजी करने के लिए, कमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे मोंटो। अच्छी गेंद थी ये, धीमी गति की लेग ब्रेक गेंद, गेंद हवा में है वाइड डिश में डॉन की दिशा में और बहुत ही बढ़िया कैच, उम्दा कैच वहां पर लिया मयूर ने, बहुत ही अच्छा कैच लिया वहां पर और इस तरह से मोंटू आउट होकर के पल में वापस जाते हुए अली को सफलता मिली। तो इस तरह से दूसरी सफलता यहां पर और अली को पहली सफलता प्राप्त होती हुई अच्छी गेंदबाजी से। अली ने यहां पर दर्शकों का मन मोह लिया है अच्छी गेंदबाजी की। पहली गेंद पर भी अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत की थी और इस गेंद पर उन्होंने थोड़ी सी परिवर्तन किया अपनी गेंद में और ब्रेक गेंद फेंकी और धीमी गति की गेंद फेंकी जिसके चक्रव्यूह के जाल में हो वहां पर मोंटू फंस गए। उन्होंने इस शॉट को खेलने का प्रयास किया, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, काफी देर हवा में रही और आखिरी समय में वाइडिश मिडडाउन पर खड़े खिलाड़ी मयूर ने काफी अच्छी तरीके से उस कैच को लपका और इस तरह से पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा मोंटू को। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं श्याम। इस वक्त सुबह है लेकिन मैदान पर आए हैं श्याम। अली सफलता मिलती हुई, मनोबल आत्मविश्वास बढ़ता हुआ तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अली की गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद हवा में है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर पार्थ खड़े हैं और उनके हाथों में ये आसान सा कैच, दो गेंदों पर दो विकेट लेने में सफलता मिलती हुई अली को। अच्छी गेंदबाजी अली द्वारा और इस तरह से अब हमें ऐसा लग रहा है कि टर्फ एडिक की टीम थोड़ी सी यहां पर लड़खड़ाती हुई। तीसरा विकेट गिरा। इस तरह से यहां पर विकेट गिरता हुआ नजर आया, अली को सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद जो मुकाबला होगा प्रभाकर मात्रे वर्सेस चैलेंजर बॉयज, दोनों ही टीमों के कैप्टन अगर यहां पर आए हैं, दोनों ही टीमें यहां पर आए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में संपर्क करें टॉस के लिए। पुढ़ सामना होना रहे थे प्रभाकर मात्रे 11 वर्सेस चैलेंजर बॉयज, दोनों संघ कर्णधार इथे आले असतील तर त्यांनी त्वरित मंचावर संपर्क साधायचा आहे आणि लवकरात लवकर टॉस साठी यायचं आहे कारण आमच्याकडे जरा वेळ खूप कमी आहे। 12:40 झालेले आहेत आमचे स्कोरर मला सांगताय तिथे, तर लवकरात लवकर तुम्ही दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे या टॉस साठी। जोनस नवीन फलंदाज मैदानावर, काहीतरी अंपायरशी त्याचा इन्क्वायरी करतोय,
कंपलसरी है ना, कंपलसरी चेज है। एसएसपी के एक खिलाड़ी रोहित जी के हाथों से अगले मैच का टॉस होगा। रोहित राठौड़, तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे मंच पर उपस्थित रहें। अभी थोड़ी समय में दोनों कैप्टन यहां पर आएंगे। अली इस बीच ऑन हैट्रिक, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई और जोनस ने उसे सम्मान देते हुए खेला, सम्मान रूप में खेला और फॉलो थ्रू में स्वयं अली ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। अली तैयार, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी। अली ने यहां पर अंकुश लगाया है और अपनी टीम की उम्मीदों को बढ़ाया है, दो गेंदों पर दो विकेट प्राप्त किए थे। तैयार अली की गेंद, धीमी गति की गेंद, फुट टॉस बना करके स्वीप खिला यहां पर, लेकिन थोड़ा सा वहां पर हड़बड़ा है और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज जोनस और गणेश यादव ने और एक रन दौड़ करके पूरा किया। काफी समय बाद यहां पर एक रन स्कोर बोर्ड में देखने के लिए मिला, 33 स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। अली इस वक्त छाए हुए हैं मैदान पर, बेहतरीन गेंदबाजी अली ने की है। पहली गेंद पर एक रन दिया था, उसके बाद विकेट, फिर विकेट, फिर डॉट और अभी एक, अभी अब आखिरी गेंद है इस ओवर की अली की। अली कमेंट्री बॉक्स एंड से बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश जाधव के लिए, राइट हैंड ऑफ विकेट। ये गेंद अली की पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, धीमी गति की, चेंज ऑफ पेस थी, चूके यहां पर गणेश जाधव, पहला खेल लिए, जल्दी खेल लिए, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, लड़खड़ा है, हड़बड़ा है और गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से एक अच्छा सफल ओवर, बेहतरीन ओवर, उम्दा ओवर यहां पर समाप्त हुआ अली का। इस ओवर में अली ने तीसरे ओवर में केवल यहां पर 2 रन खर्च किए और 2 विकेट प्राप्त किए, तो कुल मिलाकर के 33 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। और अब 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में रनों की दरकार है 29 रन चाहिए 12 गेंदों में। एक बेहतरीन मुकाबला, पहला मुकाबला, एक रोमांचक स्थिति यहां पर बनी हुई है और पूरा दारोमदार अब इस ओवर पर है कि इस ओवर में कितने रन बटोरते हैं जोनस और गणेश जाधव। एक छोर संभाले हुए गणेश जाधव काफी समय से मैदान पर डटे हुए, उनके सामने 3 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन अब देखना है गणेश जाधव के कंधे पर काफी जिम्मेदारी आ चुकी है और उनका साथ देने के लिए है जोनस। तो जोनस किस तरह से आने वाली ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते, कितने रन अपनी टीम के लिए बटोरते हैं, और क्रिकेट में जो कहते हैं जरूर तर्क कोई महत्व नहीं होता, कोई मानी नहीं होता, उसी का एक नजारा यहां पर देखना है कि कौन सी टीम यहां पर विजय हासिल करती है। 12 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 29। गेंदबाजी के लिए किशोर, गेंदबाजी करने के लिए सलाम, खैरियत भाई। अगला मुकाबला प्रभाकर मात्रे 11 वर्सेस चैलेंजर बॉयज, दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। सर चैलेंजर नहीं है ना, सिर्फ चैलेंजर, मत बोलो चैलेंज है, आर कार्ड दो, करता मैं पता, अच्छा चैलेंज बॉयज लिखा उन्होंने, गलत लिखा है, ठीक है चैलेंज बॉयज, हां चैलेंज सर, चैलेंज ना वो लिखा ही गलत है, दूसरा बना दे। पहली गेंद पर 1 रन आता हुआ, चौथी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर 1 रन आया यहां पर, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 34 रनों पर। दोनों बल्लेबाज अब काफी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है, मीरा भाईंदर परिसर के एक जानी मानी जोड़ी इस वक्त मैदान पर है और दोनों क्षमता रखते हैं चौके और छक्के लगाने में, इस जैसे स्कोर को चेस करने में काफी दावेदार है, लेकिन देखना है गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है और आने वाली गेंदों का किस तरह से मुकाबला करते हैं गणेश जाधव और जोनस। ग्यारह गेंदों में 28 रनों की जरूरत है, 28 रन्स नीड इन 11 बॉल्स। बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश जाधव
सामना करेंगे आने वाले गेंद का। गेंदबाज है किशोर। राइट आर्म राउंड द विकेट। किशोर की इस गेंद को पटकी हुई गेंद, धीमी गेंद, भरपूर फायदा, पूरा मौका उठाया गणेश यादव ने। इस गेंद को हवाई सफर करते हुए पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरह से इस गेंद पर गणेश यादव ने छक्का जड़ा है और अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इन 6 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचा है 40 रनों पर। अभी भी 21 रनों की जरूरत है। इस बीच टॉस होने जा रहा है, रोहित टॉस कर रहे हैं अगले मैच का, चैलेंज वर्सेस प्रभाकर बात्रे की टीम ने टॉस जीता है और क्या निर्णय लेते हैं देखना है। अगली गेंद इस बीच लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास कर रहे थे गणेश यादव, असफल रहे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। पिछली गेंद पर छक्का लगा जरूर था लेकिन अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज किशोर ने की है। डॉट बॉल यहां पर की, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला गेंद और बल्ले में, और 9 गेंदों में 22 रनों की अभी भी जरूरत। गणेश यादव तैयार फिर एक बार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। इस बार बैकफुट पर जाकर के लॉब किया है, फिर एक बार गेंद को हवाई सफर कराते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गणेश यादव के बल्ले से निकलता सिक्सर। छियालीस रन, 6 रनों की बदौलत गणेश यादव आक्रामक मोड में 2 गेंदों पर। भरोसा नहीं है, 8 गेंदों में अभी भी 16 रनों की दरकार है, जरूरत है, रिक्वायर्ड इन 16 रन इन 8 बॉल्स। गिलीच तैयार सामना करेंगे आने गेंद का। राइट अराउंड विकेट गेंद, पटकी हुई गेंद, फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है लेकिन यहां पर खिलाड़ी मौजूद है और सीधे स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में इस तरह से गणेश यादव का विकेट गिरता हुआ, एक बड़ा विकेट यहां पर, एक बड़ा झटका लगता हुआ। और इस तरह से बड़ा विकेट, गणेश यादव आउट होकर के पहले में वापस आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की है गणेश यादव ने। 3 छक्के जड़े अपने इस इनिंग में और टीम के अपना 25 रनों का योगदान दिया लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। 7 गेंदें बची हैं और रन अभी भी चाहिए 16। नए बल्लेबाज मैदान पर पराग पठारे। इसके बाद जो मुकाबला होगा, प्रभाकर मात्रे के टीम के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है तो दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे हैं। यहां पर 7 गेंदें बची हैं। इस बार बढ़िया शॉट है, इस खेल लिया है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है, 1 रन लिया और 1 ही रन से संतुष्ट, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी के साथ ये ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है
47 47 रन बने हैं चार ओवर की समाप्ति पर, आखिरी छह गेंदे बची और छह गेंदों में अभी भी 15 रनों की जरूरत, आखिरी छह गेंदे और 15 रन, तो कौन सी टीम जीतेगी इस बात को ध्यान में रखें और लक्ष्य पूरी तरह से मैदान पर रखें। YouTube पर अभी अभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, आप देख रहे हैं अद्विक 11 द्वारा आयोजित मीरा भाईंदर चषक सीजन 2 2023, पहला मुकाबला आप देख रहे हैं टफ एडिक वर्सेस सावियोस के बीच में। सावियोस ने टॉस जीतने के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, 61 रन बनाए थे, 62 रनों का लक्ष्य रखा था और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टफ एडिट को आखिरी छह गेंदों में अभी भी 15 रनों की जरूरत है। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, दोनों टीमों को हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, दोनों संघाना आम चाह कॉमेंट्री बॉक्स तरफे हार्दिक शुभेच्छाएं। शेवटचा षटक है, गोलंदाज अली पुनः एकदा सज्ज होता है, अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी त्याच्या मार्फत आपण बघतोय। तिसरे ओवर मध्ये दोन धाव देऊन त्यांनी दोन गडी बाद केलेले, पुन्हा त्याच्या कांद्यावर जबाबदारी सोपलेली आहे कर्णधाराने आणि पराग पठारे स्ट्राइकवर सामना समोर जातोय अलीच्या। अली लेफ्ट आर्म राईट आर्म ओवर द विकेट तैयार गेंदबाजी करने के लिए पराग पठारे को, अच्छी गेंद बढ़िया गेंद थी, पराग सफल होकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे लेती हुई गई है गली के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को वहां पर बाड़ा द्वारा फील्ड किया था, केवल एक रन से छोर बदला यहां पर गणेश यादव ने अपना और टीम के स्कोर को पहुंचाया 48 रन पर 48, अभी भी 5 गेंदें बची और 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर है जोनस, 5 गेंदे 14 रन, गेंदबाज अली एक बेहतरीन गेंदबाज और एक बेहतरीन बल्लेबाज का मुकाबला, देखना है कौन यहां पर विजयी होता है, गेंद और बल्ले में किसकी जीत होती है देखते बनता होगा। 5 गेंदों में अभी भी 14 रनों की दरकार, 14 रनों की जरूरत, थोड़ा सा फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन किया जा रहा है। अली तैयार गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट अली की गेंद, जोनस के लिए फुल टॉस गेंद है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है, सोएम अली गेंद के नीचे आते और अली ने सफलता प्राप्त की है, जोनस का विकेट प्राप्त किया, तीसरा विकेट अली के खाते में, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी में अपने जाल में फंसाने में सक्षम नजर आते हुए यहां पर अली, कमांड डीजे तो इस प्रकार से लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है और नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं मैनेजर। मैनेजर गेंद बची है 4 और रन चाहिए 14 और 3 गेंदों पर 3 छक्के अगर लगाते हैं मैनेजर तो रवि की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो मैनेजर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, गेंदबाज अली सफलता पूर्वक गेंदबाज यहां पर नजर आ रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, मनोबल बढ़ा हुआ, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी किए, कॉटन बोल्ड अभी उन्होंने विकेट हासिल किया था, तैयार गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट अगेन, फिर एक बार फुल टॉस गेंद है, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, पार्थ फिर एक बार गेंद के पीछे दौड़ते हुए लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े मैनेजर, 2 रन दौड़ करके पूरे किए इस गेंद पर, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचता हुआ 50 रनों पर पहुंचा है, 12 रन अभी भी बाकी है, 3 गेंदों में 12 रनों की दरकार, रोमांचक स्थिति, एक अच्छा मुकाबला, दोनों ही मैनेजर अगर मैच जिताते हैं तो 1000 रुपए का इनाम रवि की तरफ से दिया जाएगा। अली की अगली गेंद इस ओवर की राइट हैंड ओवर द विकेट कमेंट बॉक्स एंड से पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से,
काफी ज्यादा पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, छोटी गेंद फेंकने का प्रयास कर रहे थे अली, लेकिन गेंद में ज्यादा उछाल आता हुआ और अब समझता हूं मैं कि पिच अब तो पूरी तरह से सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है और गेंद अब उछाल लेना शुरू कर रही है। उसी का एक नमूना यहां पर देखने के लिए मिला। व्हाइट एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 51 रन। अली फिर एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट हैंड विकेट अली की गेंद, इस बार मैनेजर ने खेल दिया है, ऑन साइड में गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी थैंक यू डीजे किरण। आज संडे है तो रिक्शा वाला वाट नहीं बघत, आज कामवाला उशीर नहीं होते, परंतु इथे अपन बघतोय की पटापट इथे गाडी बाद होत आहे, ते म्हणजे टर्फ अधिक संघाचे इस प्रकार से एक और विकेट अली के खाते में आता हुआ। अली यहां पर बेहतरीन गेंदबाज, मैं समझता हूं अगर ये मैच अगर उनकी टीम जीतती तो मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिलना चाहिए। बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की थी, 14 रनों का योगदान दिया था 6 गेंदों में और उसके बाद 13 रन का योगदान दिया था 6 गेंदों में और अब गेंदबाजी करने में 4 विकेटें हासिल की है। तैयार अली, राइट हैंड आउट ऑफ विकेट अली की गेंद, पटकी हुई गेंद है और इस बार भरपूर फायदा उठाया इस गेंद का, गेंद को पहुंचा दिया है डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर अजय किनी अपने स्टाइल में यहां पर इशारा देते हुए चौके का, 4 रनों की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचता हुआ 55 रनों पर। अब आखिरी आखिरी गेंद है और 7 रनों की जरूरत है, कंपलसरी चेज है, 7 रन चाहिए ना, आखिरी गेंद 7 रन, लास्ट बॉल 6-7 रनों की जरूरत आखिरी गेंद पर। अली तैयार गेंदबाजी करने के लिए, कंपलसरी चेजिंग है, राइट आर्म ऑफ द विकेट अली की गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, अली गेंद के नीचे आ रहे हैं स्वयं फॉलो थ्रो में और 5 विकेट, पंजा यहां पर जड़ते हुए अली, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और टर्फ अधिक यहां पर अपना मैच हारते हुए सावियर्स ने यह मुकाबला जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।